आज अपने सामने खड़ी है रॉयल इनफील्ड की गैंगस्टर बाइक रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 का स्टैंडर्ड वेरिएंट। आज अपन इस वीडियो में रिव्यू करने वाले इस बाइक की लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस, माइलेज, फीचर्स एंड टॉप स्पीड के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस बाइक की ऑन रोड प्राइस के बारे में बताऊँ तो ये बाइक आपको 1,90,000 रुपए की ऑन रोड मिल जाती है जयपुर सिटी के अंदर। दोस्तों चलिए करते हैं इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल से स्टार्ट। तो फ्रंट में आपको जो मिरर देखने को मिलता है वो सिंपल से मिरर आपको इस बाइक के फ्रंट में देखने को मिल जाते हैं। एंड दोस्तों चलिए करते हैं इस बाइक की को ऑन। तो दोस्तों जैसे ही आप इस बाइक की को ऑन करते हो तो फ्रंट में जो हेडलाइट है ये ऑन हो जाती है। हेलोजन हेडलाइट का सेटअप आपको इस बाइक के अंदर मिलता है। यहाँ पर आपको क्रोम फिनिशिंग का कवर देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों इसमें आपको जो इंडिकेटर देखने को मिलता है आपको हेलोजन बल्ब वाले इंडिकेटर आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। 280 mm की डिस्क पर 90 इंच के स्पोक व्हील आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसमें आपको जो मरघाट देखने को मिलता है आपको लोहे का देखने को मिलता है। एक बार मैं आपको इस बाइक का हॉर्न सुना देता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का क्रोम का हॉर्न देखने को मिलता है। दोस्तों इस बाइक की जो आपको प्रोफाइल देखने को मिलती है प्रॉपर रेट्रो प्रोफाइल के साथ आपको बाइक मिल जाती है। मैं आपको इस बाइक की दिखा देता हूँ। की के ऊपर आपको कुछ इस तरीके की रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है आरी की। एंड दोस्तों आपको यहाँ पे जो क्रोम का एलिमेंट आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको जो रॉयल इनफील्ड देखने को मिलता है ये आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ देखने को मिल जाता है। इस बाइक में यहाँ पे आपको जो ग्राफिक्स देखने को मिलता है ये आपको मैनुअली हाथ से डिजाइन करे हुए ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको इस बाइक का ऑल ओवर वॉक अराउंड देखने को मिल जाता है। काफी प्रीमियम एंड काफी सॉलिड बाइक ये 350cc के अंदर हो जाती है। दोस्तों साइड में आपको यहाँ पे बुलेट 350 भी आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ में मिल जाता है। इसका जो आपको इंजन मिलने वाला है वो आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ आपको इस बाइक का इंजन मिल जाता है। दोस्तों इस बाइक के इंजन की बात करूँ तो 346cc का एयर कूल्ड इंजन आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है जो 19.36 PS की पावर जनरेट करता है, 28 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक के अंदर आपको किक का भी ऑप्शन मिल जाता है, ये बाइक आपको सेल्फ स्टार्ट के साथ नहीं मिलती। एंड दोस्तों इसमें जो आपको साइलेंसर देखने को मिलता है आपको क्रोम फिनिशिंग वाला स्टील क्रोम का साइलेंसर आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। तो इसकी रियर प्रोफाइल में आपको टीन ट्यूब 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाते हैं। एंड आपको इस बाइक के अंदर ट्यूब वाले टायर देखने को मिलते हैं। इस बाइक की सीट हाइट की बात करते तो 800 mm की सीट हाइट आपको इस बाइक की मिलती है। पीछे की तरफ आपको कुछ इस तरीके के ग्रेव रेल देखने को मिल जाते हैं। रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग आपको इस बाइक के अंदर मिल जाती है। पीछे की तरफ आपको हेलोजन टेल लाइट देखने को मिलती है कुछ इस तरीके की। यहाँ पर आपको हेलोजन टर्न सिग्नल देखने को मिल जाता है। मैं आपको इस बाइक का एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इस बाइक के अंदर मिलता है। यहाँ पर आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, स्पीड लिमिट मिल जाती है, न्यूट्रल की बैजिंग। यहाँ पर आपको चेक इंजन लाइट, ABS लाइट देखने को मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का बटन देखने को मिलता है, पासिंग या इंजन किल स्विच आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। अब मैं आपको फाइनली इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। दोस्तों इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करो तो 13.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस बाइक की मिल जाती है। दोस्तों ये था इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इस बाइक की टॉप स्पीड की बात करूँ तो 110 किलोमीटर पर आवर्स की टॉप स्पीड आपको इस बाइक की मिल जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही बाइक रिलेटेड वीडियो चैनल पर देखने को मिलते रहें।